नमस्कार, मैं कपिल शर्मा, सब देख रहे हैं ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद प्रदेश कार्यालय पर। आइए हम जनता से बात करते हैं, क्या कहना है, कौन बन रहा है इस बार मुख्यमंत्री? कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिराज सिंधिया, रीति पाठक, गोपाल भार्गव, सीएम तो एक ही बनेगा, आपने तो इतने सारे नाम गिना दिए। दो डिप्टी सीएम, एक सीएम, एक गृह मंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान जी। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन? अभी ये पांच चेहरे बता दिए, इनमें से एक कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं। सिंधिया जी युवा है, किसानों की आवाज है, गरीब मजदूरों के समझते हैं। प्रहलाद पटेल जी भी है, रीति पाठक जी है, गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रहे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ईमानदार दमदार मंत्री है, सरकार का अनुभव है। कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर रहे, मंत्री रहे, कई दफे राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उज्जैन इंदौर शहर सबसे स्वस्थ शहर है देश में, अच्छी पकड़ है, पार्टी में अच्छी पकड़ है उनकी, कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। जो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार की योजना की लाभ जनता के बीच में पहुंचाएगा। किसान हितैषी, गरीब हितैषी, मजदूर हितैषी, बेरोजगारों को रोजगार देगा, कानून व्यवस्था देगा अच्छी, ऐसा नहीं है गुटबाजी नहीं करेगा, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं कौन? एमपी एमपी कौन सी है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मामा, प्रदेश का मामा एक ही है। ऐसा ऐसा कयास लगा, ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी सीएम की रहना सबसे आगे। नहीं, लालनी बहना का माम भाई एक ही है, वो है शिवराज सिंह चौहान जी। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान ही को बनना चाहिए मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश का, कोई भी प्रदेश का दो बार नहीं संभाल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे कौन सी? शिवराज सिंह चौहान जो एक की सीट आई है एमपी में, शिवराज सिंह चौहान की बदौलत ही आई है, 163 सीट आई है, तो हमारा तो मेरा तो कहना शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होना चाहिए इस बार भी। 29 का 29 लोकसभा चौहान सीट भी इस बार हम ही जीतेंगे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, इसलिए तो मेरा कहना शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बीजेपी कई चौंकाने वाले नतीजे देती है, ऐसा कि कल देखा गया छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री ना बनाकर विष्णुदेव सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, क्या इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में चौंका सकती है क्या? नहीं, इसमें तो नहीं है, मुख्यमंत्री जी कोई चेहरा बनाएंगे, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, हम भी उन्हीं के क्षेत्र से आ रहे हैं और नर्मदापुरम से आया हूँ मैं, तो हम मुख्यमंत्री जी को चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कौन मुख्यमंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी, हाँ, वो एक दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यहाँ से मध्य प्रदेश से, फिर वो केंद्र में अभी प्रशासन चला रहे हैं, देख रहे हैं किसानों के हित में अच्छा कर रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, उन चिंता करते हैं, सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, कभी उनने भेदभाव नहीं किया, और नरेंद्र सिंह तोमर को ही देखना चाहते हैं, और चेहरा की बार में नया होगा तो नरेंद्र सिंह तोमर ही सीएम होंगे ऐसा लग रहा है। प्रहलाद पटेल जी सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब अपना अपना वो है, हम लोग तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को चेहरा देखना चाहते हैं, उन्हीं को सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मामा, अच्छा किया है उन्होंने, अच्छा कर रहे हैं, और वो किसानों के हित में चिंता की है उन्होंने, तब कितना संघर्ष हुआ, जब भी उनने विकास के लिए तैयार खड़े रहे, अच्छा किया, संघर्ष किया, सबके साथ अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले एक समाज के साथ करते हो, सभी समाजों को लेके चलते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, साफ स्वच्छ सभी वाले हैं, कभी भेदभाव नहीं करते, सबकी सुनते हैं, नीचे से नीचे गरीब व्यक्ति होता है उसकी भी सुनते हैं और जो ऊपर वाले हैं उनकी भी सुनते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि यह मामा मामा के नारे लग रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के नारेबाजी हो रही है उनके समर्थन में, एक किस तरीके से समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर शिवराज, एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, और पब्लिक को पूरा, मध्य प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है।
जैसा कि देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है कई चौंकाने वाले नतीजे देती है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में देखा गया कल। वो निर्णय मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हर हर मोदी, हर हर शिवराज, मैं यही कहूंगा बार बार, हर हर मोदी, हर हर शिवराज। क्या कहना चाहेंगे? कैलाश पटेल जी के समर्थक है हम 3 बार पार्षद रहे, नगर पालिका परिषद के 3 बार पार्षद है हम, और प्रहलाद पटेल जैसा व्यक्ति इस मध्य प्रदेश में संत प्रवृत्ति है। प्रहलाद पटेल आज भी अपने घर का पानी पीते हैं, झोपड़ियों में खाना खाते हैं, आदिवासियों के घर में खाना खाते हैं, माता बहनों के पेट भरते हैं। SC/ST हरिजन और पिछड़ा वर्ग में किसी भी समाज में आज तक भेदभाव नहीं करा, और वो नरेंद्र मोदी जैसा संत व्यक्ति है प्रहलाद पटेल। और प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इससे 2.5 गुना पंचम लहराएगी और लोकसभा की 29 सीट जीतेगी। इसका उदाहरण है, प्रहलाद पटेल ने आज वर्तमान में 2023 में 95 आम सभा ली, 85 विधायक चुनाव जीता, उन्होंने 85 विधायक सीट जीती है, और उनके क्षेत्र में नरसिंहपुर में 5 पंचम लहरा है भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में। मुश्किल से पूरे चुनाव में उन्होंने 1 दिन का समय भी उन्होंने नरसिंहपुर में नहीं दिया, पूरे मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उन्होंने आम सभाएं ली। आप बताइए कितनी बड़े पुल मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि वो लोधी समाज से आते हैं। 95 लाख लोधी समाज मध्य प्रदेश में निवास करता है, लोधा लोधी। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोधी समाज के, लोधा समाज के जीत के आए, जिसमें 7 लोधी समाज के हैं और एक प्रेम शंकर वर्मा हमारा लोधा है समाज के, शिवनी मालवा से जीते हैं। 8 विधानसभा लोधा लोधी समाज ने जीती है, 2 कांग्रेस ने जीती है, देखा जाए तो 10 जीती, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी समाज, पूरा मध्य प्रदेश का हर समाज उनके साथ है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है, पूरा विश्व विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी जी का जो आर्डर होगा मध्य प्रदेश के अंदर, उसको सब मानेंगे, और शिवराज सिंह मामा को कभी हटाना पड़ा तो प्रहलाद पटेल जी उनके उत्तराधिकारी के रूप में आना चाहिए, ये हम चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो कभी बड़ा होगा उसको भी खत्म कर देंगे, कांग्रेस की आवाज को और दबा दिया जाएगा। कांग्रेस के पास एक भी शब्द नहीं है प्रहलाद पटेल के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए कांग्रेस धराशायी हो जाएगी और भी ज्यादा, अभी धराशायी हो चुकी है परंतु और भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर इस प्रकार से कोई नेतृत्व में कोई गड़बड़ी हुई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रहलाद पटेल शिवराज मामा के बाद आए, और नहीं तो शिवराज मामा को भी अगर मोदी नेतृत्व देते तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु प्रहलाद पटेल जी शिव मामा के बाद अगर उनको नेतृत्व नहीं दिया जाए तो प्रहलाद पटेल जी को नेतृत्व मिले, क्योंकि प्रहलाद पटेल एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। प्रहलाद पटेल आज भी अपने घर का पानी पीते हैं, आज अपने घर का पानी साथ में लेके जाते हैं, कभी होटलों पे चाय नहीं पीते, कभी बाजार का चीज नहीं खाते हैं, और वो हर धार्मिक प्रवृत्ति नर्मदा परिक्रमा करी उन्होंने, और उनको पंडितों से भी ज्यादा ज्ञान, पंडित बराबर ज्ञान, बड़े बड़े संत जैसा ज्ञान उनको है, और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करने में वो अपने प्राणों की आहुति देते थे देंगे, और कभी भी अगर हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के ऊपर आ जाए तो वो सबसे पहले होंगे जो अपने शरीर का खून का कतरा भी उस समाज के लिए लगा देंगे। ऐसे संत प्रवृत्ति को देखा जा सकता है कि कई विधानसभा से कई लोग आए हैं, अपने अपने नेता को CM देखना चाहते हैं, कैसा के देखना चाहे, कहो दिल से मामा फिर से ये पोस्टर लेके आए हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे? मामा मुख्यमंत्री होंगे, और मुझे लगता है 20 साल का जो कार्य महिलाओं को सशक्त बनाने का जो कार्य शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है वो काबिले तारीफ है। लाडली लक्ष्मियों का भविष्य जो बनाया है, फिर देश को विकास के स्तर पर जहां तक मामा ने पहुंचाया है, आज मामा सबके दिलों पर राज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पार्टी का निर्णय कुछ और होगा, मामा ही मुख्यमंत्री होंगे, मामा 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और कुछ ही देर में निर्णय मामा के पक्ष में ही होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मेरा दिल कहता है ये, कि मामा मुख्यमंत्री होंगे। क्या कहना चाहेंगे
मामा फिर से पांचवी बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे मामा जी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, पांचवी बार बनेंगे, पांचवी बार। जैसा कि देखा जा रहा है कि भाजपा कई चौंकाने वाले नतीजे देती है। जैसे छत्तीसगढ़ में कल उसने रमन सिंह को ना बना के विष्णुदेव सिंह को सीएम बनाया है, क्या कहने चाहे मध्य प्रदेश में 41% तो 49% वोट सेल लाए तो वो मामा ने लाए हैं, लाडली बहनाओं ने लाए हैं, जो छात्रवृत्ति है उन्होंने लेके आए हैं। वो मध्य प्रदेश है, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की स्थिति अलग है और यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। यहाँ मामा मैजिक है, हाँ। क्या कहना चाहेंगे किस बार 5 साल से प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी, 5 साल क्षेत्र से बनेंगे। अच्छा क्या कहना मन में मामा 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 एमपी के मन में मामा। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय पर, आइए हम जानते हैं क्या कौन बन सकता है इस बार मुख्यमंत्री, जनता से चर्चा करते हैं। कौन मुख्यमंत्री के दावेदार सबसे आगे है? सबसे आगे मामा है, मामा शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह महान है, एमपी की जनता के मन में भी शिवराज सिंह मामा ही बनना चाहिए और मेरे मन में भी शिवराज सिंह मामा ही बनना चाहिए। 18 साल का उनका कार्यकाल रहा, एक नंबर रहा, जनता के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्हें अच्छा कार्य किया है। ऐसा माना जा रहा है सीएम की रेस में प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं? नहीं, हमारे मन में तो यही है कि मामा ही आगे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री रहे हैं, इतना बड़ा पद छोड़ के आए हैं, उनको भाजपा क्या कौन से पद पर? अभी जनता ने थोड़ी देखे उनने, अब तो छोड़ के भले आए हों, मन मामा ने जो कार्यकाल तो देखा है ना मामा का, वो कार्यकाल नंबर बन रहा है उनका, वो एमपी के मन में भी मामा ही हैं। ऐसा देखा जा सकता है कि भाजपा कई चौंकाने वाले नतीजे देती है, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी कल देखा गया है, क्या कहेंगे? अब जनता तो देखो दुखी तो रहेगी, थोड़ी बहुत तो दुखी होगी मामा के दुख से कि मामा सीएम बनना चाहिए और मामा नहीं बने तो थोड़ा दुख तो उन्हें झेलना पड़ेगा, क्या कहेंगे जी? एमपी के मन में तो मामा ही है, एमपी के मन में मामा है जी, दिल में भी मामा ही है, मामा ही मामा है। अगर भाजपा सरकार रिपीट नहीं करती है शिवराज सिंह चौहान को, कौन सा पद दे सकती है आपके अनुसार? नहीं, वो तो केंद्रीय नेतृत्व जाने चीज पे तो नहीं कर सकते, बाकी हमारे मन में दिल में मामा ही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जी, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला माननीय मोदी जी के चेहरे को देखते हुए, और माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है लाडली बहना, तो माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी की योजना है लाडली बहना, तो बहनों की भी इच्छा है कि भैया मुख्यमंत्री बने, हम सभी कार्यकर्ताओं को आपने दिल से पूछा है, तो अब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, ये हमारी ऐसी इच्छा है। भाजपा कई चौंकाने वाले नतीजे देती है, क्या शिवराज सिंह चौहान को अगर नहीं रिपीट करना चाहिए तो कौन सा पद दे सकती है? ये तो देखो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, मोदी जी के मन में भी मामा है और अमित शाह जी के मन में भी मामा है और नड्डा जी के मन में भी मामा है, हमें पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरा नहीं किया उन्होंने, क्या कारण रहे ऐसे? नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं, कई मंत्री जो गए उनसे इस्तीफा लिया इसलिए गया, लोकसभा चल भी रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, आशीर्वाद लेने गए, मामा ने भी बात की होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मामा भी अब यहाँ के विधायकों से लगातार मिल रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे सरकार को, जनता से मिल रहे थे, इसलिए मामा नहीं गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मोदी के मन में मामा है और हमारे दिल में भी मामा है। यहाँ चंबल रीजन से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो कि माना जाता है एक बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी की जीत के लिए। आइए हम जानते हैं क्या किसको मुख्यमंत्री देखना चाहिए। जो जनता जनार्दन चाहेगी और केंद्र नेतृत्व संगठन के लोग चाहेंगे वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, सीएम रेस में अगर हम बात करें तो प्रहलाद पटेल जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहना चाहिए? वैसे सीएम रेस में ग्वालियर अंचल से बनना चाहिए कोई, जैसे पहले नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और फिर इनसे अच्छा कोई सीएम नहीं रहेगा, और वैसे फिर कोई तो शिवराज मामा ही अच्छे हैं। इस बार 5 में से 3 बीजेपी ने सीट जीती है वहाँ, किसको मंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे? भिंड जिले में सबसे ऐतिहासिक जीत राकेश शुक्ला की हुई है और तो राकेश शुक्ला जी मंत्री बनने लायक हैं और मंत्री बनना चाहिए।
ऐसा कि देखा जा सकता है कि लार से नेता प्रतिपक्ष को हराने वाले जो विधायक हैं अमरीश भैया और मतलब अमरीश शर्मा और गड्डू भैया, उनको क्या सरकार, क्या मोदी नेतृत्व कोई पद देना चाहेगा इस बार? ये तो भैया प्रदेश की लेवल की बात हम नहीं कर सकते। वैसे अच्छा है, पद उनको मिलना चाहिए, जरूरी है, ये तो उच्च लेवल की बात है। क्या कहेंगे? कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि इनसे अच्छा कार्यकाल ना तो अभी तक रहा है ना रहेगा। जैसे कि इनकी जो योजना है, खेत सड़क योजना है और इनकी ग्रेवल रोड, ब्रिज रोड, लाइट और लाडली बहना योजना है, और इन्होंने प्रदेश के लिए इतना दिया है कि जनता इसको बड़ी मुश्किल से वापस कर पाएगी। इतना दिया और जनता के लिए आज हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित है। ऐसा माना जा रहा है प्रहलाद पटेल इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वो चला ही नहीं पाएंगे, उनमें उतना टैलेंट नहीं है। कारण की जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, इनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज़ होती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब धरातल के नेता हैं और किसान नेता हैं, और इनकी ज़िंदगी में हमारी जनता और प्रदेश और इनके दिल में बिल्कुल समा चुका है। उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएगा, वो सरकार नहीं चला पाएंगे। पिछले 3-4 दिनों पहले शिवराज सिंह ने एक ट्विटर हैंडल पे पोस्ट की थी, सबको राम राम, इस पर क्या कहना चाहिए? राम राम जो हिंदुत्व को दर्शाता है, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं और समस्त जनता और समस्त हिंदुओं के जो भगवान है राम, अयोध्या में उनके लिए एक मोटो दिया था कि हमारे भी भगवान राम है, हिंदुओं के सभी, तो उनके लिए दिया था हिंदुत्व जगाने के लिए। क्या कहेंगे? कौन मुख्यमंत्री बन? शिवराज जी मामा, शिवराज जी बन रहे हैं। शिवराज जी बन नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री रहे हैं पहले, वो इस्तीफा दे के आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, जी बन रहे हैं। अच्छा, शिवराज जी मामा, मामा ही बन रहे हैं। अरे मामा भाई साहब है, हम तो भाई साहब कहते हैं। अच्छा। भाई साहब लाडली बहनों के भैया शिवराज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? शिवराज जी बन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, जी ठीक है, सभी लोगों से बात हुई और बोल रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं वही बन रहे हैं मुख्यमंत्री। आइए हम देखते हैं कि शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है यहाँ।